नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है विदिशा जिले के गंज बसोदा से। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे की एक रिपोर्ट। विश्व महिला दिवस के दिन सैकड़ों महिलाओं ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर निकाला मौन जुलूस। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रकाश नायक को दिया ज्ञापन। विश्व महिला दिवस के दिन सैकड़ों महिलाओं ने स्थानीय महावीर विहार में एकत्रित होकर नगर के मुख्य मार्गों से मौन जुलूस निकालकर स्थानीय लाल परेड ग्राउंड पहुंची, जहां देश के प्रधानमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रकाश नायक को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके अनुसार देश के नागरिकों को पौष्टिक आहार मिल सके, इसके लिए देश समस्त राशन की दुकानों पर मांस आहार जैसे अंडा, मछली, चिकन आदि दिया जाएगा। महिलाओं ने देश के प्रधानमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से अपील की गई है कि राशन की दुकान पर मांस आहार का विक्रय ना हो, नहीं तो अगर महिलाएं महिला दिवस के दिन सड़क पर उतर सकती हैं। यदि ये नीति नहीं बदली तो महिलाएं उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। ये दिन हम लोगों का ये है कि ये मांस की जो दुकान और मांस वगैरह जो वितरण हो रहा है, केंद्र सरकार ने जो लागू नीति की है उसके लिए हम महिलाएं पुरजोर विरोध कर रही हैं। और ये महिला दिवस का दिन है कि हम महिलाओं की बात पूरी प्राथमिकता के साथ रखी जाए, और यदि हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया तो हम सारी महिलाएं धरना देंगे और ये अनशन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को हमारी बात पर विचार करना ही होगा। हमारे सामने चीन खड़ा है जिसमें हजारों लोगों की जानें जा चुकी है, और महिला सशक्तिकरण का दिन है, और आज हम ये शपथ लेते हैं। हम पहले प्रधानमंत्री जी से सिर्फ अनुरोध कर रहे हैं, सिर्फ हम उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि वो ये सब आंगनबाड़ी में और राशन दुकानों पर चलाना चाह रहे हैं वो बच्चों के पोषण के खिलाफ है, ना कि उनको पोषित करता। वो ये गारंटी ले लें वो ये क्षण हट के बच्चा स्वस्थ होगा, हम स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकेंगे।